दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। एटीएम चोर, लोगों का हुआ पर्दाफाश। दोस्तों जब से एटीएम मशीनें लगी हैं, तब से चोरों की सबसे पहले नजर उसी पर होती है, क्योंकि अगर वो किसी की पॉकेट मारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो एटीएम में डाका डालेंगे तो भैया वो एक ही बार में लखपति बन जाएंगे। और इसी सोच को रखते हुए कुछ लोग रातों रात अम्बानी जितनी दौलत पाने के चक्कर में एटीएम में चोरी करने निकल जाते हैं। पर अब उन्हें कौन बताए कि जिस एटीएम में वो चोरी करने जा रहे हैं वहाँ उनका बाप यानी सीसीटीवी कैमरा उन पर नजर गड़ाए बैठा है। और चोरों पर नजर रखने वाले सीसीटीवी कैमरा कई बार कुछ नमूनों को कैप्चर कर लेता है जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको पक्का हैरान करके रख देगी। दोस्तों सबसे पहले इन भाई साहब से मिलिए जो एक बोतल गटका कर एटीएम मशीन से पैसे निकालने आए हैं, लेकिन शराब के नशे में इनको इतनी भी समझ नहीं है कि ये मशीन से पैसे निकाल रहे हैं या फिर सरकारी अफसर से बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने एटीएम कार्ड को मशीन में डालने के बजाय ये उसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि एटीएम मशीन को इंसान हो जो इनका कार्ड और बैंक की पासबुक देख कर इन्हें पैसे दे देंगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एटीएम मशीन को सरकारी अफसर समझने वाले भाई साहब को तो आप लोगों ने देख लिया, अब जरा एटीएम मशीन को डांस इंडिया डांस का मंच समझने वाली इन दीदी जी को भी देख लो जो पैसे कम निकाल रही है और डांस करने में ज्यादा मगन है। और जिस हिसाब से ये डांस कर रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि मैडम जिंदगी में पहली बार पैसा निकालने आई है, तभी तो खुशी के मारे नाचे ही जा रही है, ना चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों हम सभी एटीएम मशीन में जाते हैं तो वहाँ पर कार्ड डालकर पैसे निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग तो अलग ही लेवल के महान होते हैं जो बिना कार्ड डाले ही पैसा निकाल लेते हैं। अब आप बोलेंगे भला वो कैसे, तो खुद ही देखिए ये बंदा कैसे कार्ड डाले बिना मशीन को खोलकर पैसों की गड्डी निकालने में लगा है। मतलब भाई मान गए, अगर इस तरह से चोरी करने का टैलेंट हमारे पास होता तो या तो हम करोड़पति हो चुके होते या फिर जेल की चक्की पीस रहे होते। और इनके लक्षण देखकर यही लग रहा है कि ये जेल की चक्की ही पीसेंगे। मुझे जिंदगी में बस एक ही चीज से प्यार है, पैसे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना, ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। एटीएम में चोरी करने आए इन भाई साहब को भी जरा देखिए, जो आते हैं और अपना बैग नीचे रखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है बंदा बड़ा ईमानदार किस्म का है, लेकिन ये साला तो 420 निकला जो अपनी जेब में पता नहीं कैसे कैसे हथियार रखे हैं ताकि एटीएम मशीन खोल सके। और एक ही बार में एटीएम मशीन को खोलकर ऐसे पैसे निकालने लगता है जैसे अपने बाप की तिजोरी से पैसे निकाल रहा हो। आप खुद ही देख रहे हैं कि कैसे इसने एटीएम मशीन से पैसों की मोटी मोटी गड्डियां निकाली और अपने इस काले बैग में भरता जा रहा है। इसकी लालच तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ये लगातार पैसे चोरी करने में लगा है। यहाँ तक कि इसे इतना भी डर नहीं लग रहा कि अगर कोई इसे देख लेगा तो क्या होगा, इसे तो बस पूरी एटीएम मशीन साफ कर देनी है। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। अब आप दुनिया के सबसे कॉन्फिडेंट एटीएम चोर से मिलिए जो कस्टमर और स्टोर मैनेजर के सामने स्टोर के अंदर लगी एटीएम मशीन को खोलने लगता है। सभी को लगता है ये कोई टैक्स ऑफिसर है, क्योंकि ये बिल्कुल भी चोर की तरह डरावा नहीं लग रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाकर ये बड़े आराम से एटीएम मशीन से सारा पैसा निकाल कर अपने पास रखता है और शांति से बिना कुछ बोले यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर तक तो लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, फिर उन्हें समझ में आता है ये कोई ऑफिसर नहीं बल्कि चोर था जो सभी को बेवकूफ बनाकर चला गया। अब जरा एटीएम मशीन में चोरी करने आए इन चोरों को देखिए जो चेहरे पर मास्क लगाए जैकेट वगैरह पहनकर पूरे हथियार के साथ तैयारी के साथ आए हैं और आज तो चोरी करके ही जाएंगे। तभी तो ये एटीएम मशीन का दरवाजा खोलते हैं और मशीन पर वार करना शुरू कर देते हैं। जब छोटे हथियारों से काम नहीं चलता तो ये बड़ा हथौड़ा लेकर आते हैं और मारने लगते हैं। जिस मेहनत और मशक्कत के साथ ये लोग मशीन तोड़ने में लगे हैं, अगर उतनी मेहनत किसी और काम में दिखा देते तो बिना चोरी किए लखपति बन गए होते, लेकिन नहीं,
इन्हें तो एक ही रात में राजा भोज की तरह मानो शानो शौकत भरी जिंदगी चाहिए, तभी तो पूरी मेहनत करके चोरी करने में लगे। और जब इनसे मशीन नहीं टूटती तो ये मशीन को एक मेटल के तार से गाड़ी में बांध लेते हैं और फिर गाड़ी को खींचते हैं ताकि मशीन टूट जाए, पर फिर भी मशीन नहीं टूटती। हाँ, एटीएम मशीन के बाहर लगा कांच जरूर चकनाचूर हो जाता है और कई बार मेहनत करने के बावजूद यहाँ चोर चोरी करने में सफल रहते हैं। वैसे हर किसी की किस्मत इन लोगों की तरह फूटी तो नहीं होती। कुछ लोग एटीएम मशीन को गाड़ी की पावर से घसीटकर पूरा का पूरा उखाड़ देते हैं और पैसे चोरी करने के बजाय एटीएम मशीन को निकाल कर ले जाते हैं, ठीक इन लोगों की तरह। अब आप एटीएम मशीन की सबसे आसान चोरी देखिए, जहां ये लोग एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में लगे एटीएम मशीन के पास आते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, और जैसे इन्हें मौका मिलता है ये लोग पूरी की पूरी एटीएम मशीन को ही हाथों से उठाकर चलते बनते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब तक आप लोगों ने एटीएम मशीन से चोरी करने वाले कई सारे चोरों को देखा, पर ये चोर बिल्कुल ही अलग तरीके का है जिसमें बाकियों से कुछ ज्यादा ही अकल है। तभी तो ये जनाब घर से एटीएम मशीन को विस्फोट करने के लिए बम बनाकर लाए थे। यहाँ तक कि इन्होंने एटीएम मशीन में बम लगाया और जब मशीन विस्फोट हो गई तो बड़े आराम से ये केस निकाल कर इस जगह से दुम दबा कर भाग निकलते हैं। दोस्तों, एटीएम मशीन पर आकर पैसे चोरी करने वाले चोरों की नमूनागिरी तो आप लोगों ने देख ली। अब जरा इन महाशयों को देखिए जो एटीएम मशीन में पैसे नहीं बल्कि सैनिटाइजर चोरी करने आए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको एटीएम में आए इन नमूनों को देखकर कैसा लगा, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।